अनऑथराइज डेवलपमेंट है उसके लिए कडई कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ पे उन लोगों की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। कडईज यू कैन से वर्क वेरी हार्ड टू गिव शेप टू रेरा। तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आ जाती है कि आप कुछ कह के कुछ बेच रहे हैं, इसमें सबसे ज़्यादा NRI झांसे में आते हैं, मतलब कि जो है ही नहीं। अगर हम 100 रुपया लेते हैं, 100 रुपीज़, एवरी 100 रुपीज़ वी रिसीव, वी गिव बैक 85 रुपीज़ टू द सिस्टम। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थप्रकाश टीवी, समा दिनेश के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली ट्राई सिटी के रूप में जाना जाता है, लेकिन अब ये ट्राई सिटी धीरे धीरे और आगे बढ़ने लगा है। पिछले कई सालों से हमने यहाँ पे रियल एस्टेट में आए बदलावों को डेवलपमेंट के रूप में देखा है, खासकर तब जब चंडीगढ़ और मोहाली को, या ट्राई सिटी कहें कि इसे जब से अपना नया एयरपोर्ट मिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे, जो अब एयरपोर्ट की सुविधाएं स्टार्ट हुई हैं, उससे कहा जा रहा है कि ट्राई सिटी में आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी संभावनाएं रियल एस्टेट सेक्टर में, या जो लोग अपना घर एक सपना लेके बैठते थे चंडीगढ़ या उसके आसपास में रहने का, अब वो सेगमेंट धीरे 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 डेवलपमेंट की कगार पे आता हुआ है। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट अब बढ़ रहे हैं, उसी तरह से बहुत से ऐसे मामले हैं जहाँ पे उपभोक्ता, या यूँ कहें कि एंड कस्टमर, परेशानियों से भी गुजर रहा है। चाहे फिर वो रियल एस्टेट सेक्टर में उनके साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हो, प्लॉट खरीदने से लेके फ्लैट के पोजीशन तक बहुत से ऐसे मामले हैं जिन लोगों जो इस चीज़ों से परेशान होते हैं, या उनके साथ किसी ना किसी तरह की परेशानियां सामने आती हैं, चाहे वो पेमेंट देकर उनका पोजीशन ना मिला हो, या प्लॉट का अभी तक अलॉटमेंट ना हुआ हो, या वो अनऑथराइज्ड कॉलोनी के रूप में हो। तो ऐसे बहुत से मामले आज वर्तमान में ट्राई सिटी में अपने ही लेवल पे बड़े रूप में विद्यमान हो चुके हैं। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं क्रेडाई पंजाब से प्रेसिडेंट मिस्टर जगजीत सिंह माचा, और सीनियर एडवोकेट के रूप में पंकज चांदगोटिया जी, जो हमें इसके थोड़े से कानूनी फैक्टर के बारे में बताएंगे कि किस तरह से ये सिस्टम काम करता है और किस तरह से एक उपभोक्ता को कानूनी पहलुओं पर भी एक सहूलियत मिल सकती है। और माचा साहब से हम चर्चा करेंगे इस बात पर कि किस तरह से क्रेडाई पंजाब इंश्योर करता है पूरे प्रदेश में कि उपभोक्ताओं की जो मेहनत की कमाई है उसको वो इंश्योर करें कि वो सेफ एंड सिक्योर हो और उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफी ना हो। स्वागत है आपका आज के इस डिस्कशन में। शुरुआत करते हैं पंकज जी आपके साथ कि पंकज जी, ये आपने देखा कि जिस तरह के मामले आप भी कोर्ट में आप इनको डील करते हैं, देखते हैं चीज़ों को, क्या है ये मामला, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम इसमें एक संस्था सुनते हैं रेरा, RERA एक संस्था है, जो इसमें कहा जाता है कि शायद ये एक ऐसी संस्था है कि जो कि बिल्डर या डेवलपर की बात करें और उपभोक्ता की बात करें तो इसके बीच की एक ऐसी कड़ी है सरकार की तरफ से, जो कहीं ना कहीं दोनों ही अदारों को, दोनों ही पक्षों को बहुत अच्छा एक रिलीफ देती है। तो थोड़ा इस पर विस्तृत हमें बताएं। इसमें मैं पहले ये बताना चाहूँगा कि 2007-08 में एक मुहिम चली थी प्रॉपर्टी डेवलपमेंट की, जैसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं अपन किसी भी उद्योग की हो जाती है, वैसे प्रॉपर्टी की भी हो गई थी, और बहुत से प्राइवेट प्लेयर्स इसमें कूद पड़े थे क्योंकि गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया था लैंड देना, CLU जिसको कहते हैं, कन्वर्जन ऑफ लैंड यूज, एग्रीकल्चरल लैंड है वो चंक में लेके बिल्डर कन्वर्ट कर लेता था रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट में, और फिर उसे अपने काट के बेचता था लोगों को। तो ये मुहिम उस टाइम स्टार्ट हुई कम से कम 2007-08 में। अब वो प्रॉपर्टी बूम का टाइम था, मैं ये बताना चाहूँगा, तो उस टाइम प्रॉपर्टी प्राइसेस हाई थी और कस्टमर का कॉन्फिडेंस भी हाई था, तो लोगों ने जल्दबाजी में फ़ायदा उठाने के लिए धड़ल्ले से बुकिंग भी करी, किसी ने एक्स्ट्रा भी करी, ऑल ओवर इंडिया NRIs कूदे इस चीज़ में। NRIs क्यों कूदते हैं? क्योंकि चंडीगढ़ का लेबल लगा होता है ट्राई, जैसे आपने कहा ट्राई सिटी का, तो वो अब जब पंजाब ने न्यू चंडीगढ़ बना दिया तो चंडीगढ़ तो आ ही गया, एयरपोर्ट चंडीगढ़ है, उसके आसपास को चंडीगढ़ समझते हैं, हालांकि नहीं है, लेकिन ये प्रोजेक्शन हो जाती है, तो NRI भी इसमें चीज़ में फंसे हैं। तो प्रॉपर्टी बूम उस टाइम आई, लेकिन 3-4 साल बाद सब कुछ फ्लैट पड़ गया, प्राइसेस डाउन हुई, प्लस इसमें सरकारों का भी मैं रोल कहूँगा कि उन्होंने जो CLUs ग्रांट करने की शुरुआत करी थी उसमें अड़चने लगानी शुरू कर दी। हर एक सरकार अपना पैसा खोजती है, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उससे डिले होने लग गई अप्रूवल्स, तो जो प्रॉपर्टी का अंदेशा था, जो अगर प्रॉपर्टी डीलर देना भी चाहे तो वो नहीं दे पा रहा था क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूवल टाइम से नहीं आ रही थी, तो ये सब मिला जुला के अल्टीमेट लूजर कंज्यूमर हो जाता था। पंकज जी, कहीं ना कहीं रियल एस्टेट सेक्टर को एक ओपन सेक्टर के रूप में देखा जाता है, जहाँ पे सरकार का प्रत्यक्ष रूप से बहुत ज़्यादा डायरेक्ट उस पर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है या अपर कैप नहीं होता है,
क्योंकि बाकी विभागों की बात करें, चाहे पेट्रोलियम की बात करें या टेलीकॉम सेक्टर की बात करें, तो टेलीकॉम सेक्टर में TRAI है, पेट्रोलियम सेक्टर में BPCL है, HPCL है, तो प्राइवेट जल्दी से अपना नहीं कर पाते हैं। या अगर टेलीकॉम सेक्टर में देखें तो स्पेक्ट्रम जो है सरकार की तरफ से है, पर रियल एस्टेट में देखा जाता है कि इस तरह के कुछ अपर कैप सरकार के हाथ में प्रत्यक्ष रूप से नहीं है। ये आपकी बात तो सही है, शुरुआत के लिए मैं वही कह रहा हूँ, शुरुआत में नहीं था कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन खास, लेकिन जब दिक्कतें आई तो सरकार ने स्टेप इन करके रेडा, जैसे आप कह रहे हैं, बनाया। 2017 में इफेक्टिव तौर पर चालू हुआ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे ट्राई या रेगुलेटरी, वैसे इसमें भी आया रियल एस्टेट में। तो इसका प्रत्यक्ष रूप यही था कि बिल्डर क्योंकि अनरजिस्टर्ड होते थे तो आते थे, भाग जाते थे, तो कोई पकड़ नहीं थी उनकी। तो रेरा ने मेन चीज़ जो करी वो ये करी कि जो प्रॉपर्टी डीलर है, जो प्रॉपर्टी डेवलपर है, वो रजिस्टर होएगा रेरा के साथ और कुछ मूलभूत अमाउंट वहाँ जमा कराएगा। इससे बिल्डर भी रियल वाला आता था जो भागेगा नहीं, अगर भाग भी जाए तो उसकी अमाउंट पड़ी है तो कंज्यूमर को उसमें से दे दिया। इसे हम यूँ समझें कि जैसे कोई स्कूल अगर खुलता है और वो CBSE के साथ एफिलिएट होता है, तो वो एक रजिस्ट्रेशन हो गया कि वो CBSE एक मान्यता प्राप्त होगी, मान्यता प्राप्त होगी। तो रेरा जो है मान्यता देता है किसी डेवलपर को वहाँ पे काम करने का, तो कहीं ना कहीं बड़ी अच्छी बात है उपभोक्ताओं के लिए हुआ है। जगजीत सिंह जी, आप हमारे साथ थोड़ा सा इस पे इसको थोड़ा इलाबोरेट करें कि क्रेडाई पंजाब के आप अध्यक्ष पद पर अभी हैं और देख रहे हैं सभी चीज़ों को, कहीं ना कहीं ये उपभोक्ताओं में और जो बायर है ये एक अजीब सा डर क्यों व्याप्त होता है जब कहीं रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्ट करना चाहता है। हालांकि इसमें कोई रुपए दो रुपए की बात तो नहीं है, किसी भी व्यक्ति को जाना है तो कुछ लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है, या वो अपना घर भी लेना चाहता है या कुछ ज़मीन लेना चाहता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो कुछ लाखों से ही ये बात शुरू होती है, पर इसके साथ साथ एक डर भी विद्यमान होता है, तो ये ऐसा क्यों है? दिनेश जी, बेसिकली सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू कॉम्प्लीमेंट यू कि आपने एक अहम मुद्दे के ऊपर ये आज वार्तालाप कर रखा है। इसी मैं इस चीज़ पे थोड़ा सा पंकज जी के साथ डिफर करता हूँ। देखो, ऑथराइज्ड डेवलपमेंट और अनऑथराइज, ये दो चीज़ें हैं। पहले भी जो ऑथराइज्ड वाले थे, हम लोगों ने लाइसेंस लिए हुए पुड्डा से, उसी को हम लीगल लेके उस पैटर्न में चलते थे। जो अनऑथराइज्ड डेवलपमेंट है उसके लिए क्रेडाई कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, हमारे यहाँ पे उन लोगों की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। हम सिर्फ ऑथराइज को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अनऑथराइज अपने आप में ही आज 76 साल पुराना कंट्री है, और आज भी अगर अनऑथराइज डेवलपमेंट चल रही है तो आई थिंक वी हैव टू क्वेश्चन दिस सिस्टम फर्स्ट कि व्हाई अनऑथराइज इज बीइंग अलाउड। तो किस तरह से क्रेडाई जो है वो कन्फर्ट उपभोक्ता और रेरा के बीच में कड़ी के रूप में काम कर रहा है, आप कहना चाहेंगे? सी, रेरा जो आया है, रेरा कडाई इज यू कैन से वर्क वेरी हार्ड टू गिव शेप टू रेरा एट ए नेशनल लेवल व्हेन दी थिंग्स वर बीइंग ड्राफ्टेड। और दूसरी भी एक और ऑर्गेनाइजेशन है हमारी नारेडको करके, वो उन्होंने भी कंट्रीब्यूशन की है। सी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि रेरा को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। द रीज़न बीइंग काइंड ऑफ वी हैव गिवन रेड कारपेट वेलकम टू रेरा, क्योंकि रेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें एंड यूज़र जो हमारा एक अहम, वी रिप्रेजेंट द स्टेक होल्डर्स इन रियल्टी सेक्टर, जिसमें सबसे बड़ा जो है वो एंड यूज़र आता है। बाकी स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो डेवलपर्स हैं, बिल्डर्स हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि रियल्टी सेक्टर अपने आप में एक बड़ा, बहुत बड़ा सेक्टर है, सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लायर आफ्टर एग्रीकल्चर। वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग 8% टू द GDP ऑफ द कंट्री, एंड देयर आर प्रेडिक्शंस दैट वी मे गो, अब तो एक छोटी सी पेंडेमिक की वजह से हमें रुकना पड़ा थोड़ा सा, और वो भी हम बिकॉज एवरी डार्क नाइट हैज़ गॉट ए गुड ब्राइट दैट्स वेरा मॉर्निंग, वो हम निकल जाएंगे इससे, प्रोवाइडेड वी ट्रस्ट एंड वी सपोर्ट द सिस्टम। और इस टाइम पे जो है कि GDP 2025 में 13.5 तक की प्रेडिक्शंस आई हुई हैं। इतना बड़ा अदारा जो 300 इंडस्ट्रीज को सपोर्ट कर रहा है, रियल्टी सेक्टर, और जो एंड यूज़र है वो कि होम इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट नेसेसिटी। तो इन चीज़ों में अगर हम आते हैं तो रियल स्टेट एक बहुत बड़ा एवन्यू है जो कंट्री की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है और जो नेसेसिटी है। और जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं हमारे जनरली आते हैं उसमें, एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो जैसे पंकज जी ने बात की, हम बैठे हैं CCR रीजन में, चंडीगढ़ कैपिटल रीजन, इसमें मोहाली एक बहुत बड़ा सेटअप वाइटल सामने आ रहा है, और एयरपोर्ट की आपने पहले बात की, एयरपोर्ट आज की डेट में अंडर है क्योंकि इसमें जो कनेक्टिविटी चाहिए अब तो रेरा ने थोड़ा सा रोक दिया, बिकॉज पेंडेमिक ने रोक दिया, अदरवाइज
जो एयरपोर्ट है अगर फुल फ्लेज लेवल पे आता है तो इससे पंजाब को नॉर्थ को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इकॉनमी को। और सीसीआर रीजन की बात आई है, एवरी वन इज़ इंटरेस्टेड कि इस रीजन में मेरा घर हो क्योंकि एपी सेंटर है चंडीगढ़ के आसपास, चंडीगढ़ में प्रॉपर्टीज आर टचिंग स्काई, तो जो अपकमिंग एरियाज है उसमें थोड़ा सा अभी लोगों की अफोर्डेबल है। और जो इन्होंने एक बात की है कि उस टाइम पे जब प्राइवेट कॉलोनाइजर को इन्होंने लाइसेंस देने शुरू किए तो उसमें एक बहुत बड़ा पॉइंट था कि रियल स्टेट ग्रो करे, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर ग्रो करे, लेकिन ओवरनाइट में जो प्राइसेस बढ़ी वो आज की डेट में जो मेजर डिस्प्यूट है बिटवीन द डेवलपर बिल्डर एंड द एंड यूज़र। क्योंकि लोग कंपेयर करते हैं, यार उस टाइम पे तो मैंने एक एक्स अमाउंट लगाया था वो एक साल में चार गुना हो गया, तो अब बढ़ नहीं रहा। सिंह साहब, लेकिन आप लेकिन जो बात कह रहे हैं ना कि स्काई रेट्स हो चुके हैं ट्राई सिटी के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखें कि जो प्रोमिसज पहले किए गए थे, जो हम केसेस पढ़ते हैं चाहे वो रेरा ट्रिब्यूनल में आते हैं या फिर उसके अलावा अखबारों में भी हम ये पता लग रहा होता है हमें कि लोगों को पोजीशन के जो वादे किए गए थे उनको समय पर डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। धरातल पे जो सच्चाई है, कहा जाता है कि ट्राई सिटी के अंदर डेवलपमेंट बहुत है लेकिन कॉन्क्रीट जंगल के रूप में अगर आप सराउंडिंग एरिया जैसा ले लें, अगर आप पंकज जी ने जैसा कि बताया कि एयरपोर्ट एरिया को चंडीगढ़ कहा जाता है लेकिन नहीं है, वहाँ से बनूड़ से होते हुए अगर हम खरड़ लांडा रोड पर निकलें तो कहने के लिए वो ट्राई सिटी चंडीगढ़ का डेवलपमेंट का पार्ट दिखा के एनआरआईज और बाकी आउटसाइडर्स को दिखाया जाता है, एक सब्ज बाग दिखा के पेश किया जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि कॉन्क्रीट जंगल का एक रूप ले चुका है जनाब। और मैं समझता हूँ एक कंसिडरेबल परसेंटेज है जो आज भी इन्वेस्टर्स को या बायर्स को ढूंढ रहा है। तो सिंह साहब, कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें उलट हैं एक दूसरे से, कि इन्वेस्टर ट्राई सिटी की तरफ रुझान ले रहा है या वहाँ से बाहर निकल चुका है। सी, मेरी जो एक प्रैक्टिकल अप्रोच मैं लूँगा बीइंग रिप्रेजेंटिंग द रियल्टी सेक्टर इन नॉर्थ, पंजाब बहुत बड़ा एक अहम पार्ट है नॉर्थ का, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा डिफर करूँगा सर, क्योंकि जो ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट है, जैसे आप न्यू चंडीगढ़ की बात करो, न्यू चंडीगढ़ मास्टर प्लान में जो मापदंड हैं ग्रीनरी के वो सारे अबाइड कर रहे हैं, देर आर सर्टन एरियाज जहाँ पे वो शायद वायलेशन हुई होगी, न्यू चंडीगढ़ में तो बिल्कुल नहीं है। एयरपोर्ट रोड की अगर लेते हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ सर, डाउन दी लाइन जो आप कह रहे हो कैमरा ले गया मेरे साथ चलो, आई विल शो यू दी प्रैक्टिकल रियलिटीज़, वहाँ पे भी पूरे मापदंड लिए जा रहे हैं। आई डोंट वांट टू नेम एनी पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे ये वायलेशन है, बट देर आर सर्टन एरियाज जहाँ पे वायलेशन है, जहाँ तो वो वहाँ, क्योंकि मास्टर प्लान हमारे जो मास्टर प्लान है न्यू चंडीगढ़ का है, मोहाली का है, ये मास्टर प्लान पहले बने हैं फिर इम्प्लीमेंट हुए हैं, देर आर सर्टन एरियाज जो मास्टर प्लान बाद में बने हैं पहले इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट। लेकिन सिंह साहब, हमने बात करी है यहाँ पे कि जो व्यक्ति आज से चार साल पहले, पाँच साल पहले, जिसने एक वादे के पीछे आके गारंटेड रिटर्न्स के साथ में इन्वेस्ट किया था, आज वो व्यक्ति कहीं ना कहीं चाहे वो रेरा ट्रिब्यूनल में खड़ा है चाहे या संबंधित न्यायालय में, वो वहाँ जाके गुहार कर रहा है कि ना तो मुझे पोजीशन मिला और ना मेरी मेहनत की कमाई मुझे वापस मिली, और मुझे कहा गया था कि ब्याज के साथ इंटरेस्ट के साथ आपको वापस देंगे, वो भी नहीं मिला। पंकज जी, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहना चाहूँगा, एक तो जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रही है, क्या एडवर्टाइज होता है 5 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़ एयरपोर्ट, अब इसमें कितनी बड़ी भ्रांति है, 5 किलोमीटर किस तरफ को, एक तो वो एंगल, प्लस चंडीगढ़ एयरपोर्ट नहीं है वो, पहली बात वो मोहाली में है, लोकेशन ही उसकी चंडीगढ़ नहीं है, तो ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आ जाती है कि आप कुछ कह के कुछ बेच रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा NRI झांसे में आते हैं, तो अब कंज्यूमर एक्ट भी मैं आपको बताऊँ आज से नया लागू हो गया है 2019 का, जिसमें अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट को भी कोर्ट निष्क्रिय कर सकता है, पहले कंज्यूमर कोर्ट के पास ये पावर नहीं थी। तो जो बिल्डर और बायर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसमें लिखा होता है सब कुछ, तो ये अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है कि मुझे बताया कुछ गया दिया कुछ जा रहा है। प्लस आप अगर देखें जो भी एग्रीमेंट होता है उसमें 3 साल की औसतन म्याद होती है पोजेशन की, मैंने अगर आज बुक कराया है तो मुझे आज से 3 साल के बाद पोजेशन मिल जानी चाहिए उस चीज़ की, लेकिन 2007, 2008, 2010 में जो पोजेशन हुई वो भी आज तक नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं पैसा जो बिल्डर लेता है वो अपने किसी और प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर देता है, जो देखा जा रहा है आमतौर पर, क्यों नहीं प्रोजेक्ट पूरे हो रहे, 3 नहीं चलो 5 में हो जाए, 5 नहीं चलो 7 में हो जाए, लेकिन वो अभी नहीं हो रहे। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन 50% ऐसे ही हैं जो मामले कंज्यूमर कोर्ट में, ये परसेंटेज ज्यादा होगा मैं समझता हूं पंकज जी, क्योंकि जिसने के मामले सामने आते हैं हम देखते हैं। प्लस मैं जो रेडा और कंज्यूमर की बात कर रहा था, रेडा फिर एक सरकारी अदारा है, उसी रेड टेपिज्म में फंस गया है, उसमें रिलीफ मिलता भी है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्योंकि रेडा एक रिकमेंडेटरी अथॉरिटी है, कोर्ट नहीं है। अगर रिलीफ मुझे आज दे दिया कि ये होगा, वो बाइंडिंग नहीं है इन पे, उसको वो भी चलेगा कंज्यूमर कोर्ट। अगर कोई अगर इस पे ऑब्जेक्शन करे, चाहे वो बिल्डर की तरफ से हो या उपभोक्ता की तरफ से, तो वो फिर
उसको फिर उनको जाना पड़ता है अल्टीमेटली कोर्ट, अगर रेरा से ऑर्डर हुआ भी हुआ है, मेरे पास ऐसे केसेस हैं जो रेरा से ऑर्डर मेरे को कंज्यूमर कोर्ट ले जाने पड़े, वहां से ऑर्डर कराया सेम, तब इंप्लीमेंट किस तरह के केसेस आ रहे हैं इन दिनों में? वही मेन नॉन पोजेशन। कई बार बिल्डर क्या करता है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट करता है लैंड ओनर से, वो खरीदता तो है नहीं लैंड, अपने पैसे लगाता नहीं, मेरे से तो पैसे ले लिया आपने लेकिन आप अपने पैसे उसमें लगा नहीं रहे, अपने पास रख रहे हैं, तो वो डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो होता है वो भी 3 साल का होता है कि मैं 3 साल में आपको पूरे पैसे दे दूंगा, फिर लैंड मेरे नाम कराऊंगा और फिर आगे भेज दूंगा। तो दो तरफ से फॉल्ट हो रही है, वो लैंड डेवलपमेंट एग्रीमेंट फेल हो जाता है, बिल्डर के पास उस चीज़ की पोजेशन नहीं रहती तो मुझे वो दे नहीं पाता, इस कारण सब कुछ इलीगल हो जाता है, जो कई प्रोजेक्ट्स की बात है। यहाँ मैं सिंह साहब आपसे जानना चाहूँगा कि पंकज जी ने भी बताया है कि हमारा पैसा ले लिया जाता है लेकिन बिल्डर की तरफ से पैसा नहीं लगाया जाता है, तो चूंकि आप एक डेवलपर के रूप में भी न्यू चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं सिंह साहब, तो मैं दोनों ही आस्पेक्ट, क्रेडाई प्रेसिडेंट के रूप में और एक डेवलपर के नाते आपसे मैं जानना चाहूँगा कि ये क्या है ये मामला, कि जैसे सपोज अगर किसी ने एक प्रॉपर्टी ली है तो उस प्रॉपर्टी का पहले तो एक रेट तय किया गया, उसके बाद बिल्डर जो है उससे ईडीसी और एक आईडीसी के रूप में दो चार्जेस और लेते हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति ये होती है कि अगर पोजेशन मिल भी जाए जो कि 2 साल 3 साल 4 साल लेट मिला, जिसके लिए बहुत से जस्टिफाइड रीज़न दिए जाते हैं कि क्यों लेट हुआ, चाहे वो सरकार की नीतियों को कोस के कहा जाए या बिल्डर के पास ऐसे कई बहाने हैं जिनको वो ढाल बना के कहते हैं कि ये लो जी पोजेशन मिल गया जैसा मिला, उसके बाद वहाँ शुरू होता है टूटी हुई रोड्स का नज़ारा, पार्कों में आवारा पशुओं का नज़ारा, टूटी हुई स्ट्रीट लाइट्स का नज़ारा, डूबी हुई सड़कें रातों में, इनसिक्योर्ड बाउंड्री लाइन जो उस कॉलोनी की हैं, कहीं ना कहीं ये वो चीज़ें हैं जो कि बिल्डर EDC, IDC के तहत शायद डेवलप करता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। सिंह साहब ये क्यों है, ये किस तरह की, ये एक ये जो डेवलपमेंट के नाम पे जो ये एक मिसमैच है ये क्यों है? सी देखिए, वी आर वर्किंग इन ए सिस्टम और वो सिस्टम भी हमें ऐसी कॉर्नर पे लाके खड़ा कर देता है कि एक नोटिफाइड मास्टर प्लान में हम काम कर रहे हैं, रेजिडेंशियल जोन में हमने ज़मीन ली है, वहाँ पर हम प्रोसेस ऑफ परमिशन स्टार्ट होता है, 48 परमिशन तक हमें लेनी पड़ती है, हम कोई रेड टैग इंडस्ट्री तो कर नहीं रहे। एक सबसे बड़ा है कि पोल्यूशन क्लियरेंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस, एनवायरनमेंट क्लियरेंस गवर्नमेंट पहले क्यों नहीं लेती जब मास्टर प्लान उन्होंने नोटिफाई कर दिया, हमने CLU चार्जेस दे दिए, उसके बाद जो गवर्नमेंट को हमें सारी सिंगल विंडो जो बोला जाता है जो तो मतलब कि जो है ही नहीं, एक खिड़की खोलने से सिंगल विंडो नहीं हो जाएगा, उसके पीछे की जो प्रक्रिया है सारा मैकेनिज्म है वो करता है। आज की डेट में जो इंसान, एक बहुत बड़ी सेइंग है कि पैसा लेके मार्केट से पैसा लेके प्रोजेक्ट को करता है, उसके दर्द को जो एक बहू बैठा हुआ है वो नहीं समझ सकता। वी आर टू सीक कम लॉट अवे फ्रॉम द इंडियन वे ऑफ वर्किंग कि एक फाइल को पास होने में जो 3 से 4 महीने 6 महीने का टाइम लगता है, क्यों लगता है वो? नोटिफाइड मास्टर प्लान में सारी परमिशन जाना चाहूँगा कि जैसे आपने बात रखी कि CLU जब चेंज ऑफ लैंड यूज की अगर हम बात करें तो CLU में जब आप एक प्रोजेक्ट लेकर आए और शायद वो एग्रीकल्चर भूमि जो होती है या वो जिस तरह की भी भूमि होती है उसका आपने CLU सरकार से करवा लिया, आपने उसके लिए एक अमाउंट जो कि प्रेस्क्राइब किया गया है सरकार की तरफ से वो भी फिल कर दिया, तो उसके बाद ऐसा कहाँ दिक्कत आती है कि वो प्रोजेक्ट डेवलप नहीं हो पाता स्टिपुलेटेड टाइम में? हर एक टाइम पे आती है सर, एक एक जो पड़ाव है वो 6 से 8 महीने लेता है, ये आप जो इनसाइड स्टोरी है इसको आप वेरीफाई करो क्यों लेते हैं। एक डिपार्टमेंट CLU जो कहते हैं कि इन बिल्ड है कि ऑनलाइन मिल जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब इतना प्रोसीजरल मैटर इतने स्ट्रांग है कि डेवलपर को एक विंग क्रिएट करना पड़ता है परमिशंस लेने के लिए, उसमें किस किस तरीके से हमें जद्दोजहद करनी पड़ती है, इट्स ए पार्ट ऑफ सिस्टम। सिंह साहब आपने न्यू चंडीगढ़ की बात करी लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, चाहे रियल इस्टेट बिल्डर्स के ले लें, नेशनल लेवल के बिल्डर्स वहाँ पे आज की डेट में डेवलप करने में लगे हुए हैं, वहाँ पे रिहायश कमर्शियल हर तरह के प्रोजेक्ट है, आप उससे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। उसके अलावा भी वर्तमान पंजाब सरकार के चीफ मिनिस्टर का वहाँ पे फार्म हाउस है बकायदा, बड़ी 5 तारा एक होटल के रूप में वहाँ पे ऑलरेडी ऑपरेशनल है, उसके अलावा कैंसर हॉस्पिटल इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास लेवल का स्टेट ऑफ आर्ट जिसे कहा जा रहा है, क्रिकेट स्टेडियम के रूप में आने लगा है बहुत जल्द। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर चंडीगढ़ से वहाँ मुल्लापुर जाना हो तो कूड़े के पहाड़ को क्रॉस करके जाना पड़ता है, और इसके अलावा और कोई कनेक्टिविटी आज की डेट में जिसे बड़े बड़े दावे किए गए कि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी, इतने साल पहले हो जाएगी, अब हो जाएगी, तब हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि धरातल पे जो सच्चाई है वो अपने आप में इतनी कड़वी है
कि वहाँ पे बैठा हुआ उपभोक्ता अब शायद इस बात को कोस रहा है कि वो क्यों आया था वहाँ पे, इसके पीछे क्या, किसको आप दोष देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब इन्होंने अभी साझा किया अपना बयान कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो फिर इनको भी पता है कि टाइमलाइन बढ़ेगा पोजेशन देने का, तो ये फिर एग्रीमेंट ऐसा क्यों करते हैं, क्यों सुहावने सपने कंज्यूमर एंड यूज़र को दिखाते हैं कि भाई 2-3 साल में मिल जाएगा। आप सही बोलिए ना कि आगे दिक्कत है, जब ये मिलेंगी 5 साल में मिलेगा, ताकि मैं अपना इन्फॉर्म डिसीजन लेके इन्वेस्ट करूँ। अब मुझे तो कह दिया जाता है 3 साल में मिलेगा, लेकिन ये खुद मान रहे हैं कि 3 साल में इनको परमिशन सारी नहीं मिलती। कहीं ना कहीं पंकज जी ऐसा नहीं है कि अगर ये सच्चाई कह दी जाएगी तो शायद लिक्विडेट नहीं हो पाएगा? वही बात है ना, ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। देखो सी, यू कॉल इट अनफेयर, बट अगर अनफेयर ऑन द गवर्नमेंट पार्ट, पंजाबी की कहावत है कि अपने पीढ़ी के नीचे सोटा मारो। सी बैक टू रूट्स, व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ ए सिस्टम, सिस्टम में आप भी हो और आप भी हो सर। इस टाइम पे ताड़ी एक हाथ से नहीं बजती, ताड़ी दो हाथ से बजती है। जिस इन्वेस्टर ने पैसा लगाया उसने यही सोच के लगाया कि वही 2005 से लेके 2007 का जो 3 साल का जो टाइम था, जिसमें डेली 4 टाइम्स प्रॉपर्टी के प्राइसेस चेंज होते थे, उसके लिए सिस्टम क्या सपोर्ट कर रहा है? क्या जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट, चाहे वो मोहाली है चाहे चंडीगढ़ है, इस रीजन का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल के नाम पर वहाँ पर एक फ्लाइट है, और आज की डेट में हमारे पास ये पूरे डाटाज अवेलेबल हैं कि 70% जो लोग दिल्ली एयरपोर्ट से उठते हैं उनका कनेक्शन जो है अपर नॉर्थ में है। अपर नॉर्थ जो है आपके करनाल तक आता है जी, और पंजाब है, जे एंड के है, हिमाचल है, और इसके अलावा जो इवन पीपल लिविंग इन यो उत्तराखंड जो हमारे देहरादून में रहते हैं वो भी यहाँ से फ्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक का मैस इतना बड़ा हो गया। आज की डेट में क्यों नहीं थॉरो क्लियरेंस मिल रही हमें? उसे रोज़गार बढ़ेगा, पैसा आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में पड़ेगा, एवरीथिंग विल बी देयर, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद मनी। एक साइड पे तो हम कहते हैं कि 2 करोड़ लगाया बंदे ने, वो 10 करोड़ की एक्सपेक्टेशन कर रहा है, उसके लिए सपोर्ट किया दी सिस्टम ने। सिंह साहब, यहाँ सरल भाषा में आप हमें बताएं कि गवर्नमेंट कहाँ पिछड़ रही है इस इंडस्ट्री को डेवलप करने में या साथ देने में, क्योंकि भारत में कृषि के बाद में अगर सबसे बड़ी कोई इंडस्ट्री है तो रियल इस्टेट इंडस्ट्री है, एज पर फिगर्स, एज पर डेटा, कि जहाँ पर रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर हैं, और रियल एस्टेट सेक्टर में अपने आप में पुल फैक्टर बहुत बड़ा है, चाहे वो उपभोक्ताओं का हो, चाहे वो इन्वेस्टर्स का हो एंड कस्टमर के रूप में। तो सरकार कहाँ पे, चाहे पंजाब, आज हम पंजाब की बात करें क्योंकि मुल्लापुर या न्यू चंडीगढ़ की हम बात कर रहे हैं, तो वो पंजाब एक्टिविटी में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कहाँ पिछड़ रही है सरकार आपको सपोर्ट करने में? अगर नेशनल लेवल की ही कॉन्ट्रीब्यूशन देखी जाए, GDP की बात मैं पहले कर चुका हूँ, 70 मिलियन लोगों को हम रोजगार देते हैं, ये फैक्ट्स हैं, डाटाज पड़े हुए हैं, आप भी, यू आर वेरी लर्नड, यू कैन वेरीफाई दोस। आज की डेट में गवर्नमेंट जहाँ पीछे हटती है, रियल स्टेट की क्षमता को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया है। रीजन्स बेस्ट नोन टू द गवर्नमेंट, द पॉलिसीज। आज की डेट में जो गवर्नमेंट ने एक 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया ना जी, उसमें रियल स्टेट को एक ड्रॉप दिया है जो ओशन में है, एक ड्रॉप अगर इंक का ओशन में डाल दो तो वो भी लोन के रूप में दिया है, वो भी लोन के रूप में दिया है। हमारी क्या मांग है कि जो एंड यूज़र है, एंड यूज़र अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अस, वो आप हमें कैसे अलग मान सकते हैं? हम भी घर में रहते हैं, वो भी घर में रहते हैं, हम भी वो प्रॉब्लम्स झेलते हैं, मेरी भी लाइट कटी जाती है अगर मैं बिल नहीं देता, मेरा भी पानी रुक जाता है, मेरे को भी सीवर का सिस्टम देखना पड़ता है, हमारे से वो डिफरेंट नहीं है। एक बंदे को लेबल कर देना यार ये डेवलपर है, वो गलत है। वी आर पार्ट ऑफ सिस्टम एंड वी शुड बी टेकन इन दैट स्पिरिट, रादर वी आर स्पेंडिंग मिडनाइट ऑयल टू गिव ग्रोथ टू द रीजन, to give growth to the investments, ये कॉर्नर कर देते हैं। बंदा अपनी सारी लाइफ लगा देता है इसके ऊपर, वो कॉर्नर कर देते हैं कि ये बंदा ही गलत है, ये तो चोर है। पकड़ी वैसे कहीं ना कहीं ये बात सही है, तर्कसंगत है ये बात कि करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लेके बिल्डर या डेवलपर कहें कि चाहे बाजार से पैसा उठाए या घर से लगाए, वो आता है अपना बिजनेस करने के लिए बाजार में, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कुछ पॉलिसीज हैं जिसको भी सिंह साहब बता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये जो विरोधाभास है तो बिल्डर को भी कहीं ना कहीं इस पे परेशानी है, और एंड यूजर तो कहीं ना कहीं है ही त्रस्त। अल्टीमेटली जो बॉल जाती है वो गवर्नमेंट के पाले में ही जाती है। एक तो परमिशंस देने में वो लेट करते हैं जिसके कारण ये भी फंस जाते हैं, एंड यूजर का नुकसान तो होता ही है। तो गवर्नमेंट को टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब करनी चाहिए हर एक परमिशन की, और एक सिंगल विंडो जैसे जगजीत साहब ने कहा वो कर देनी चाहिए। क्या दिक्कत है, आपने जब अलाउ कर दिया, पैसे ले रहे हैं आप हर एक परमिशन का, तो आप उसे सुचारू रूप से दीजिए ताकि कंज्यूमर को भी फायदा हो। प्लस जो रेडा है वो अगेन एक गवर्नमेंट अथॉरिटी है, उसमें फिर फंस जाते हैं बिल्डर भी और कंज्यूमर भी।
तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा यहाँ पे, अगर किसी को कोई ग्रीवेंस है तो कंज्यूमर कोर्ट इज़ दी बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर रिलीफ गिविंग, क्योंकि रेडा फिर एक सरकारी संस्थान है, तो जो भी है सरकारी, आप अपनी कंप्लेंट लेके कंज्यूमर में आइए, जो बाध्य है सब पे। पक्के जी, एक कैलकुलेशन मैं आपके इसके ऊपर भी आऊँगा, वो भी थोड़ा सा डिफरेंस चल रहा है। सी, एक तो ये है कि अगर हम 100 रुपया लेते हैं, 100 रुपीज़, एवरी 100 रुपीज़ वी रिसीव, वी गिव बैक 85 रुपीज़ टू द सिस्टम। उसमें सबसे पहले लैंड है, जहाँ ले ली जहाँ ले रहे हैं इन द प्रोसेस, जो सिस्टम अलाउ करता है उसके अकॉर्डिंगली काम करते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, उसके बाद डेवलपमेंट चार्जेस हैं, उसके बाद ये इसके जो डेवलपमेंट के जो सेटअप है वो है, कुल मिला के 85 रुपये हम स्ट्रेट वे सिस्टम को दे देते हैं, चाहे रोजगार देते हैं जो गवर्नमेंट नहीं दे पाई आज तक। सो ऐसे मतलब अगर सेक्टर की अगर बात करनी है, वी हैव टू बी वेरी सेंसिबल। हमारे जो ऑफिसर्स होने चाहिए वो टेक्निकली ट्रेंड और सेंसिबल होने चाहिए। ये नहीं है कि सिस्टम को मतलब फाइल आई, फाइल को अपने तरीके से प्रोसेस करें, उसकी स्थिति को समझें कि इसमें लोगों का पैसा लगा हुआ है, लोगों ने घर लेना है। आज की डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सर, अच्छे से अच्छे मास्टर प्लान में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो गवर्नमेंट की ओर से आना चाहिए था। कई जगह पे तो ट्रंक सीवर भी नहीं डिज़ाइन हुए हुए, कहने को वो मास्टर प्लान चल रहे हैं। और जो बात इन्होंने की है, थोड़ा सा मैं डिफर करूँगा, ही इज़ ए लर्नर्ड एडवोकेट। सी, दो चीज़ों पे चलने वाला कभी सही नहीं माना जाता, दो कश्तियों का सवार कभी सही नहीं माना जाता। जा तो अगर रेरा ले गया है तो रेरा को सपोर्ट करो और रेरा को लाओ, बिकॉज इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड लॉ। कंज्यूमर कोर्ट ठीक है, आज की डेट में एग्जिस्ट कर रहे हैं हम उसके ऊपर, हमारी ये गवर्नमेंट को भी एक काइंड ऑफ सजेशन रही है और एक रिक्वेस्ट रही है कि एक सिस्टम को फॉलो करो, कि रेरा कुछ बोलता है कंज्यूमर कोर्ट कुछ बोलता है, तो वो तो फिर लॉ एडजुडिकेटिंग बॉडीज में डिफरेंस आ गया ना, दैट शुड नॉट बी देयर। अगर रेरा लाए तो रेरा को पूरा करो और स्कोप ऑफ इवन प्रैक्टिस, यस, जो स्कोप ऑफ लीगल प्रोफेशन बनके रह गया है एक्चुअल में। सिंह साहब, मैं यहाँ पे आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोरोना काल में अभी पिछले 4-5 महीनों से देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई है, उसके चलते हालात ये हैं कि अभी ना तो बिल्डर और डेवलपर कहें कि वो जो एज पर प्रॉमिस उन्होंने जो डिलीवरी देने का टाइम दिया होगा वो ना तो उस हालात में है, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो पाया, लिक्विड रुका हुआ था। दूसरी तरफ जो एंड कस्टमर था वो भी अपना एक पूंजी लगा के बैठा हुआ है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के नाम पे। तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि सरकारें जो हैं वो हमारा साथ नहीं दे रही हैं, इसका हल कैसे देख रहे हैं आप आने वाले दिनों में? देखो, सबसे बड़ी जो बात है आज की डेट में, दिस ईयर 2020, इसके लिए बहुत बहुत बातें की जाती है, इसमें जो वो लोडिंग एरर आ गई जी, इसको करेक्ट करो जी, इसमें ये हो गया, इसमें वो हो गया, इसको जीने का ईयर बना के चलो, हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमें मालूम है कि हमारी जो कैपेसिटी है वो 40% से ऊपर नहीं जा रही, क्योंकि जब हम काम करते हैं सबसे पहले से हम उसका थर्मो चेक करते हैं वर्कर्स का, ठीक है जी, उनके हाथ सैनिटाइज करते हैं, 10 दफ़ा हाथ सैनिटाइज करने पड़ते हैं। ये अगर प्रॉब्लम चल रही है जितनी देर तक इसके कोविड का कोई ठोस इलाज नहीं आ जाता हमारे इम्यूनिटी बूस्टर्स के अलावा, इंडस्ट्री में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर सकते आप, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको देखते हुए 2020 का टाइम जो 6-8 महीने है वो सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ग्रेस पीरियड गवर्नमेंट को देना चाहिए, हमें मानना चाहिए। अगर मैं भी कहीं ना कहीं कंज्यूमर हूँ, आप भी हो, हमें मानना चाहिए ये तो ग्रेस पीरियड है, अगर इसमें ये काम कर रहे हैं इसका मतलब दे आर कमिटेड टूवर्ड्स दी प्रोफेशन, ये 6-8 महीने निकाल दो जो आपकी कमिटमेंट्स ली हुई हैं, बाकी टाइम 2021 में जिएंगे। तो ऐसे में जिनको आपने प्रॉमिस की होगी, जिनको इन द सेंस की एक डेवलपर होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जिनको आपने कमिटमेंट करी होंगे गारंटेड रिटर्न्स के नाम पे हर महीने, हमने नहीं की सेबी जो है वो दिस इज इलीगल टू गिव दिस 12% इंटरेस्ट, सेबी इसके अगेंस्ट है, दिस इज इलीगल, वी स्ट्रिक्टली अपोज फ्रॉम द कन्फेडरेशन प्लेटफॉर्म, देर शुड बी नो फिक्स्ड दैट काइंड ऑफ 12% वाला। तो कहीं ना कहीं फिर ये ल्यूर करने का एक हथियार है, 100% दिस इज अगेंस्ट लॉ। आज की डेट में 6% बैंक देता है तो 12% वो कैसे दे देगा? सी, आपने इन्वेस्टमेंट ले ली, आप अपने कमिटमेंट से उसकी डेवलपमेंट करो, रेट वैसे पड़ेगा, जैसे न्यू चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं वो इतना रेट बढ़ जाता है, वो 6-12% कुछ रहता ही नहीं। फिर तो आपके रहते रहते आपके सामने कटाई के सामने ऐसे अनगिनत केसेस हैं, ना सिर्फ मोहाली ट्राई सिटी के बल्कि पूरे पंजाब में ये ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ऐसे मामले देखे जाते हैं जहाँ पे गारंटेड रिटर्न्स बकायदा बड़े बड़े इश्तहार देकर कहा जाता है कि गारंटेड रिटर्न
के साथ इन्वेस्ट करें आप, वो फिर फेल होता है इसी कारण से। वी आर नॉट ए लॉ एनफोर्सिंग बॉडी, वी कैन रिक्वेस्ट आवर फ्रेंड्स डोंट डू दिस, दिस इज अनफेयर प्रैक्टिस, सम पीपल आर डूइंग एंड मोस्ट ऑफ देम आर रिफ्रेनिंग। पर जितना हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको सिंह साहब की क्रेडाई कहीं ना कहीं इसमें पिछड़ रही है अपने सो कॉल्ड फ्रेंड्स को कन्विंस करने में कि इस तरह के भ्रामक एडवर्टीजमेंट ना दिए जाएं? सी कढ़ाई एक्टिवली जब मार्केट में आई है तो इट टुक लॉट ऑफ ईयर्स, तो आज की डेट में हम वी आर फिक्सिंग दोज हु आर गोइंग फॉर न्यू प्रोमिसेस, पहले से जो चल रहे हैं दे आर कॉन्टिन्यू बट दे आर आंसरेबल ना, दे आर इन ए फिक्स नाउ। बहुत सी जगहों पर अब ये दिक्कत आना स्टार्ट हो जाएगी कि प्रोजेक्ट आपने प्रॉमिस किया था और नहीं दिया, और इसमें डेवलपर का एक जवाब होगा कि कोरोना काल में बंद था सब कुछ, मजदूर नहीं थे या लिक्विड नहीं था या परेशानी आ गई, अब दिक्कत है और ये अब डिले हो रहा है। वो एक्सप्लेनेशन सर, तो ऐसे में जो उपभोक्ता ने अपना पैसा वहाँ जमा किया था एज ए इन्वेस्टर और इस आस में कि मुझे इस टाइम पे मिल जाएगा, और अब कोरोना कोरोना एक ऐसी महामारी के रूप में है कि वो किसी सब पे लागू है, कोई अछूता नहीं रहा इससे, तो वो जो एंड कस्टमर है वो उसके पैसे का ब्याज कहाँ गया? क्योंकि बिल्डर ने कहना है कि मैंने तो खर्च कर दिया था, मैंने कौन सा बैंक में रखा पैसे का, कस्टमर कहेगा कि मेरे पास पैसे का ब्याज और पैसा भी गया। पैसे का ब्याज 6% से ऊपर नहीं है, सीनियर सिटीजन का 6.57% है, लेकिन रियल स्टेट में आज की डेट में इतनी क्षमता है, इट इज़ दी फर्स्ट एंड द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट वेयर यू आर सिक्योर, इट विल ग्रो मल्टी इन कंपेरिजन टू, एक धैर्य की जरूरत है कि एक सेइंग है कि जो सूरजमुखी है ये फ्लावर्स जो है सन के साथ साथ मूव करता है, सो जब आज की डेट में बादल आ चुके हैं तो सूरजमुखी जो होता है, मैं आपके इसी बात को थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा कि रियल एस्टेट शायद पैसे की तरफ मूव करता है, रियल एस्टेट पैसे की तरफ मूव नहीं करता, इट इज ए नेसेसिटी, इट इज ए नेसेसिटी ऑफ रियल एस्टेट कि पैसा तो फ्लो नहीं। सिंह साहब यहाँ पे लेकिन एक कड़वी सच्चाई और है, मैं आपको बताने लगा हूँ, माफी चाहूंगा आपको काट रहा हूँ, कि यहाँ पे हालत ये है कि बहुत से ऐसे केसेस हमारे सामने आते हैं कि एक एक जमीन को 10-10 जगह पे बेचा हुआ है सर। नहीं वो देखो तो ऐसे दे आर क्रिमिनल्स, दे स्टैंड नोवेयर एट ए प्लेटफॉर्म लाइक कढ़ाई, दे स्टैंड नोवेयर एट एज ए ह्यूमन बीइंग। आने वाले समय में कढ़ाई इसको कुछ 100% वी नेवर स्टैंड विद अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट्स, this is our commitment to ourselves, this is our commitment to the system, and wherever we go we say ke authorized hi hona chahiye, unauthorized ka koi sthan nahi hai, when India is 76 years old and government has to take care, they have to take cognizance of that, and I think law even can take care of it. Main aap mein ek cheez keh deta hu ki consumer act naya aaya hai, isme class action suit ka provision kar diya gaya hai, to jo unauthorized jaise builders hain unke khilaf abhi to single single case karta tha banda, अब एक ही बंदा उस अदारे के खिलाफ क्लास एक्शन सूट कर सकता है जिससे उसके खिलाफ पूरे इंडिया में ऑर्डर हो जाएगा कि ये गलत है और कंपनसेशन सबको अपने आप मिलेगा। तो क्लास एक्शन सूट का जो अदारा आज से ही 20 जुलाई से लागू हुआ है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट नया जो आया है, तो इसका अब यूटिलाइज करना चाहिए लोगों को अगेंस्ट दी अनफेयर बिल्डर्स, जिनके पास लाइसेंस नहीं है, जो अनऑथोराइज हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, उनके अगेंस्ट क्लास एक्शन सूट करे, कोई भी एक बंदा उनमें से उठ के आगे बढ़ के एक केस करे, सब पे लागू होगा वो, ताकि कंज्यूमर को भी दिक्कत नहीं है और सॉल्यूशन भी निकल जाए, उसका सॉल्यूशन इनके पास भी नहीं जो है। आज के डिस्कशन का मुद्दा है ना वो यही है कि आम आदमी केसेस करने वाला आदमान भी नहीं है, इसीलिए मैं क्लास एक्शन सूट की बात कर रहा हूँ कि हर एक आदमी केस नहीं कर सकता, जोर नहीं है बिल्कुल, तो हमें इस तरह की प्रैक्टिस को जितना अवॉइड कर सकते हैं, जैसा सिंह साहब बता रहे हैं क्रेडाई बिल्कुल इस बात को साथ नहीं देता है कि इस तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो, लेकिन हम सभी के सामने ऐसी चीजें हो रही हैं और पूरे दिन के उजाले में हो रही है। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं जो एक मर्म है आम आदमी का कि वो लाखों रुपए अपना उधार लेके बैंक से लोन लेके जो कि ब्याज चल रहा होता है और वो वहाँ उस बिल्डर को डेवलपर को दे बैठता है जो कि वहाँ पे डेवलपमेंट किए बिना या तो भाग जाता है और या फिर वो अपने एन नंबर ऑफ रीजंस के कारण मना कर देता है कि मेरे पास पोजेशन नहीं है, और अगर दे भी दिया गलती से प्लॉट दे दिया या फ्लैट दे दिया तो उसके सामने आप भूल जाएंगे कि सड़क कभी बनेगी। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए ये अमेंडमेंट करी गई है, एडवर्टीजमेंट्स जो मिसलीडिंग है उनके खिलाफ भी एक्शन प्रोवाइड किया है नए एक्ट में। ये मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ये है कि आप लीजिए 12% रिटर्न लीजिए तभी लोग देते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट मिसलीडिंग हो गया ना कि आप दे तो सकते नहीं लेकिन फंसाने के लिए दे रहे हैं, तो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट भी कवर हो गया है। क्लास एक्शन सूट जैसे आप कह रहे हैं कि हर एक कोई कोर्ट नहीं जा सकता, तो अब हर एक कोई को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक बंदा उनमें से उठ के जा सकता है और वो को सबको रिलीफ मिलेगा। क्रेडाई पंजाब की तरफ से सिंह साहब जाते जाते आप हमारे व्यूअर्स को कोई सलाह या इन्वेस्टमेंट के लिए आने वाले समय में किस तरह का रियल एस्टेट सेक्टर रिएक्ट करेगा? सी एक हार्ड रियलिटी है, होम इज द फर्स्ट एंड द लास्ट नेसेसिटी। ट्रू।
हम पैदा भी योग्य घर में जाते हैं और हमारी विदाई भी घर से ही होती है. सो वी आर टू सी द पोटेंशियल ऑफ द एरिया बिफोर इन्वेस्टिंग एंड वी शुड बी वेरी फर्म इन आस्किंग द थिंग्स ऑन द फर्स्ट फ्रंट. उसके बाद जो है कि वी देन वंस वी साइन इट देन वी आर टू सपोर्ट द सिस्टम. वी आर बिकम ए पार्ट ऑफ सिस्टम. वी आर टू सपोर्ट ईच अदर फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर बेटर ग्रोथ, फॉर फैसिलिटेटिंग द ग्रोथ. सो एक विश्वास वाला जो रिश्ता है वो कंज्यूमर का और एंड यूज़र का, कंज्यूमर का डेवलपर के साथ होना चाहिए. और गवर्नमेंट से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि प्रोसेस ऑफ परमिशंस को फास्ट कीजिए ताकि जो एंड यूज़र है वो ना सफ़र करे और सिस्टम अच्छे तरीके से चले. इंडिया इज स्टिल ए ग्रोइंग कंट्री एंड देयर इज लॉट ऑफ स्कोप एंड लेट्स वर्क फॉर द बेटर इंडिया. हालात चाहे जो भी हों लेकिन जितनी भी संस्थाएं हैं रियल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई, चाहे फिर वो गवर्नमेंट की बॉडी हो रेरा या फिर कंज्यूमर फोरम, जैसा कि हमारे साथ उपस्थित वकील पंकज चांदकुटिया जी ने बताया कि नए उसमें कुछ लॉ आए हैं जो कि कंज्यूमर फ्रेंडली लॉज हैं, और या फिर क्रेडाई जैसी संस्था हो जो कि पंजाब में अभी है और उसके प्रधान हमारे साथ थे जिन्होंने इस बात पर चर्चा की कि किस तरह से क्रेडाई पंजाब इस बात को इंश्योर कर रही है कि गलत अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है वो ना हो, गलत बिल्डर या अनऑथराइज बिल्डर मेहनत की जो कमाई है वो लोगों की ना लूटे, इसके लिए क्रेडाई पंजाब अपनी तरफ से पूरी तरह से प्रयासरत है. बावजूद हम आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से केवल इतना कहना चाहेंगे कि जब भी आप अपने घर से निकलें इस तरह के किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए या अपने नए घर का सपना लेकर, कृपया 10 बार छानबीन करें पंजाब सरकार की, या और भी अगर कहीं आप पूरे देश में कहीं भी ज़मीन खरीद रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. सरकारों ने अलग अलग लेवल पे ई पोर्टल के थ्रू बहुत सी जानकारी साझा की हुई है पब्लिक डोमेन में, आप उन्हें पढ़ें. उसके बाद क्रेडाई जैसी संस्थाएं हैं, ऑथराइज संस्थाएं हैं जो कि इस बात को इंश्योर करती हैं कि आपका पैसा गलत जगहों में ना जाए और आपको उसका पूरा पूरा रिटर्न प्रॉपर मिल सके. इन्हीं मुद्दों के साथ फिर से चर्चा करेंगे, तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हैप्पी. ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें.